मोबाइल है बहुत ही कमाल का है, और दोस्तों इस मोबाइल में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे जो कि कैमरा इसका है, तीन कैमरा आपको यहाँ पे नज़र आता है, और दोस्तों सामने जो है वो भी एक कैमरा आपको यहाँ पे नज़र आता है। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं वाटर ड्रॉप है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच है, और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस है जो कि आप जानते हैं उसका प्राइस कितना हाई है, लेकिन जब मैंने इस मोबाइल को यूज़ किया जो कि बहुत ही सस्ता है उस मोबाइल से, तो मुझे लगा कि ये मोबाइल बेस्ट है, सैमसंग गैलेक्सी से अच्छा ये मोबाइल है। बस उसमें वाटरप्रूफ मिल जाता है और इसमें वाटरप्रूफ नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये मोबाइल कितना अच्छा होगा। दोस्तों अगर इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन कैमरा मिल जाता है पीछे की तरफ, जो कि 25 मेगापिक्सल का है और 5 मेगापिक्सल का है, और एक मुझे नहीं पता, तो ज़रूरी भी नहीं जानना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसकी जो डिस्प्ले है फुल HD डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी की वीडियोज़ देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसके पीछे की साइड की बात करें तो ये जो है ग्लास नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि ये ग्लास है, और ये बहुत ही ज़्यादा साइन करता है, यानी चमकता है, यहाँ पे रेनबो का यहाँ पे चमक आता है। पबजी, दोस्तों पबजी तो हर कोई खेलना चाहता है और जिसके पास मोबाइल है वो खेलता भी है, लेकिन इस मोबाइल में आप बहुत ही अच्छे तरह से पबजी खेल पाएंगे। दोस्तों जो हमारा गैलेक्सी S8 प्लस है उसमें हम HDR में नहीं खेल पाते, सोच सकते हैं 50,000 का मोबाइल जिसमें हम HDR नहीं खेल सकते, लेकिन दोस्तों ये जो मोबाइल है उसके आधा प्राइस का है, मतलब हाफ प्राइस का है, लेकिन इसमें आप HDR में खेल सकते हैं, अल्ट्रा में आप खेल सकते हैं। इसका जो फ्रेम रेट है, मतलब आप पूरा सेटिंग जो है वो हाई करके आप खेल सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खेलने में इसमें पबजी, और थोड़ा सा भी दोस्तों यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप HDR में खेलते हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और आपको थोड़ा सा मतलब उतना पता भी नहीं चलेगा कि हाँ लैग हो रहा है, और अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो फिर आपको लगेगा कि लैग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप HD में खेलते हैं तो थोड़ा सा भी आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही स्मूथली चलेगा, मक्खन की तरह यहाँ पे पबजी चलेगा, यकीन मानिए। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गेम प्ले दिखा दूँगा। दोस्तों मैं सब कुछ मिला के यही कहूँगा कि अगर आप एक सैमसंग के फ़ैन हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ चलता है, बहुत ही कमाल का स्टोरेज आपको मिलता है, और रैम आपको 4GB मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसी गैलेक्सी A50 के रिलेटेड कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिएगा,